आरआरबी रेलवे जेईई परीक्षा रिजल्ट 2019 जेईई परीक्षा देने वाले 20 लाख छात्रों के लिए बहुत बड़ी खबर आई है। छात्रों ने लिखा बोर्ड को ज्ञापन पत्र और इस ज्ञापन पत्र में क्या क्या मांगे रखे ये पूरी की पूरी जानकारी आपको वीडियो मिल जाएगी। सो वीडियो को आप एंड तक जरूर देखिए। दोस्तों अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक करें, ज्यादा से ज्यादा शेयर करें व्हाट्सएप ग्रुप और फेसबुक ग्रुप में, और दोस्तों रेलवे भर्ती की पल पल की अपडेट पाने के लिए चैनल को अभी सब्सक्राइब करें। दोस्तों अगर आप आरआरबी जेईई के स्टेज 2 यानी सीबीटी 2 एग्जाम की तैयारी कर रहे हो तो तैयारी करने के लिए सबसे बेस्ट बुक अवेलेबल हो चुकी है, जिसकी लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। उसके साथ ही साथ फिजिक्स एंड केमिस्ट्री की बुक भी अवेलेबल हो चुकी है, और साथ ही साथ ब्रांच वाइज सिलेबस की बुक भी अवेलेबल हो चुकी है। अपने अपने ब्रांच की बुक भी आप डाउनलोड कर सकते हैं। सो वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स को चेक करें, जहां से आप आरआरबी जेईई के स्टेज 2 एग्जाम के लिए बुक डाउनलोड कर सकते हैं। दोस्तों बहुत बड़ी अपडेट आई है, अगर आपने आरआरबी जेईई की सीबीटी एग्जाम दिए और आप रिजल्ट का इंतजार करें तो जैसा कि आप देख सकते हो ज्ञापन पत्र भेजा गया है। जैसा कि आप देख सकते हो 29/7/2019 को माननीय रेल मंत्री पीयूष गोयल जी को एक ज्ञापन पत्र लिखा गया। दोस्तों इस ज्ञापन पत्र का आप विषय देख सकते हो CEN 03/2018 CBT1 परीक्षा परिणाम के संबंध में एक ज्ञापन पत्र छात्रों द्वारा लिखा गया, इसे आप ध्यान से सुनिएगा, हम आपको पढ़कर सुनाते हैं। महोदय, आरआरबी जे CBT1 की परीक्षा लगभग 20 लाख छात्रों ने दी है और इसमें से 60-80% छात्र वो है जो डिग्री तो टेक्निकल की ली है परंतु वो नॉन टेक फील्ड जैसे SSC, CGL, CHSL, बैंकिंग की प्रिपरेशन करते हैं। उनके हाई मार्क्स आ रहे क्योंकि CBT1 संपूर्ण नॉन टेक्निकल सिलेबस था और उनको टेक्निकल छोड़े हुए काफी वर्ष हो गए। महोदय, जो छात्र टेक्निकल फील्ड जैसे गेट, IES, PSU, JEN की तैयारी करने वालों के CBT1 में मार्क्स थोड़े कम आ रहे क्योंकि CBT1 में संपूर्ण नॉन टेक्निकल सिलेबस था परंतु उनका टेक्निकल स्ट्रांग है जिससे रेलवे को क्वालिटी मिलेगी क्योंकि CBT2 एग्जाम फुल्ली टेक्निकल है। महोदय, टेक्निकल फील्ड से जुड़े और तैयारी करने वाले छात्रों को CBT2 परीक्षा दिलवाने की कृपा करें। जो छात्र कैटेगरी वाइज मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स पास करने वाले को अवसर देने की कृपा करें, ऐसी यहां पर छात्रों ने रिक्वेस्ट की है रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड को। और यहां पर बोला गया है कि जिस तरह आपने ALP CEN 01/2018 के CBT1 का परिणाम CBT2 के लिए जारी किया था, उसी तरीके से RRBJ के CBT1 का परिणाम जारी करवाया जाए। बेरोजगार तकनीकी महासंघ की ओर से यह ज्ञापन पत्र लिखा गया रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड को और इसमें रिक्वेस्ट की गई कि ALP टेक्नीशियन का जैसे रिजल्ट आया था CBT1 का CBT2 के लिए, उसी तरीके से RRBJ का भी रिजल्ट जारी किया जाए मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स के आधार पर, यानी जनरल के 40%, OBC SC के 30% और ST के 25% होंगे तो सिलेक्शन किया जाए, ऐसी यहां पर मांग रखी गई है। दोस्तों आप इस पर क्या विचार रखते हैं इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। साथ ही साथ आप सभी को अपडेट करना चाहता हूं कि आरआरबी जेईई के CBT1 एग्जाम का कट ऑफ जारी होने के पहले ही आरआरबी जेईई CBT2 एग्जाम की डेट आ चुकी है, तो लाखों छात्र परेशान है और रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड को रिक्वेस्ट करके एक लेटर भेज रहे हैं। लगभग 50 दिन का समय दिया जाए रिजल्ट के बाद उन्हें CBT2 एग्जाम की तैयारी करने के लिए, आप इस पर क्या विचार रखते हैं इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को अभी सब्सक्राइब करें।